सफर है। केंद्र स्वामी मिलिया इस्लामिया का अल्पसंख्यक दर्जा वापस लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में खड़कना है। सुशांत सिंह राजपूत के मुताबिक आज ही उनके पिता उनसे डिग्री लाने की बात कहते हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में संदिग्ध लोगों ने बैंक के गार्ड से वायरस की कोशिश की। कांग्रेस के बीच में आए राज्यसभा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत ने अपनी जीत का दावा किया। मेरी जीत निश्चित है, मेरी पार्टी का विकास का बहुत बड़ा काम किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक बीजेपी के तीनों उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे। जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, तीनों तीन जीत जाएंगे। तनाव के बीच उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री मनीला ने मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को 40 करोड़ की जमीन दावे मिलने का आरोप लगा है। कश्मीर के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का जवान घायल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 7 बजे बिहार के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराकर सीरीज का कब्जा कर लिया। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार अमित शाह और स्मृति ईरानी मतदान के दौरान विधानसभा में मौजूद। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 5 दिन तक चलेगा। 9 अगस्त को मुंबई में होने वाले मराठा मोर्चा से पहले सरकार विधानसभा में चर्चा कराई। अरब देशों के प्रतिबंधों के बावजूद कतर ने तुर्की के साथ साझा सैन्य अभ्यास किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक पूरी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से हार मान ली है। दिल्ली के बसंतपुर से सड़क किनारे दो युवकों के संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर 9 अगस्त को संसद में विशेष चर्चा। बात की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में अनशन पर बैठी मेधा पाटकर को एमपी पुलिस से हटाया। जेडीयू नेता शरद यादव के मुताबिक एक आदमी को हराने जिताने के लिए हो रहे विक्रम ठीक नहीं है। चीन के हुनान प्रांत में 20 सेकंड में शहर को नया बसाने के लिए 36 इमारतें धराशायी। जयराम रमेश ने कहा है कि सल्तनत चली गई लेकिन हम सुल्तान की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हेमंत पटेल ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस में भारत नहीं बल्कि अल्पसंख्यक पर हित सब चाहती है। रूस के जाने माने बॉक्सर यूरी गास्को की कुछ लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इलाहाबाद की पढ़ाई के लिए जाते पर लोगों ने गोली मारकर सिपाही को जाकर हत्या कर दी। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने की गई जांच की मांग। यूसेन बोल्ट के मुताबिक पैरों में दर्द की वजह से अब वो नहीं दौड़ पाएंगे। बीजेपी पर कार्रवाई से नाराज बीएसपी नेता याकूब का मेरठ की एसपी पर दंगा भड़काने का आरोप। दुबई के एक बहुमंजिला होटल में पिछले 4 दिनों में 3 बार आग लग चुकी है। दिल्ली के इंद्रपुरी में सिनेमा हॉल की गार्ड का घर में शव मिला। इराकी सेना ने जर्मनी की 16 साल की एक आईसिस के महिला आतंकी को पकड़कर सड़कों पर घुमाया। आनंद महिंद्रा ने के मुताबिक उनकी कंपनी अमेरिकी कार कंपनी टेल्सा से अलग है। कांग्रेस और आगे ने दी चंडीगढ़ छेड़खानी मुद्दे को आज की सभा में उठाई। कश्मीर में बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला पर सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के कब्जे से 300 परिवार भागने में कामयाब हो गए। मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणाम में देरी को लेकर एनसीपी के एमएलए ने पड़ताल चढ़ा। केंद्र ने राज्यों से प्राइवेट और सामुदायिक रेडियो स्टेशन की निगरानी करने को कहा है। चेक गणराज्य में सफेद शेर के कुछ बच्चे लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने 75वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की खबरों को निराधार किया। दिल्ली पुलिस ने नकली सीबीआई की टीम का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया।
अफगानिस्तान में तालिबान आईएसएस की वजह से हजार लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने केबीसी के रिहर्सल और प्रार्थना की शुद्धता की तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट किया। अमेरिका में एक आदमी बाढ़ में फंस गया तो उसके बचाव दल ने सीढ़ी की मदद से उसे बचा लिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शहीद हुए जवान को अंतिम विदाई। रूस में एक महिला ने चोक गिराकर उसकी छत का विदाई कर दी। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने चंडीगढ़ छेड़खानी की घटना को शर्मनाक बताया।